इन्होंने कहा था हेलमेट देंगे साथ में और टायर लोग देंगे टायर। वेलकम बैक टू अनंत व्लॉग्स भाई, आज मेरे दोस्त को लेनी है स्प्लेंडर प्लस ब्लैक ग्रे। तो एजेंसी गया था मैं आज सुबह, तो उधर वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत बनाई थी, वो आप देख लेना साथ साथ। तो उनकी कोई कहते हैं आज हमारी 15 या 30 तारीख को बिलिंग होती है, या कभी 15 आ जाता है कभी 30 को, तो आज हम आपको नहीं दे सकते। तो आप बुक कराए हैं, बुकिंग अमाउंट वगैरह दे आए हैं, कल सुबह 9:30 बजे मिल जाएगी। मॉर्निंग गाइस, आज है 16 मार्च 2022। आज अपने फ्रेंड की बाइक के लिए जाना है स्प्लेंडर के लिए। तो आपको एक बात बताता हूँ, जब भी बाइक लो उससे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप पूछ लो, और पूछने पे भी ट्रस्ट ना करो। मैंने एक बार बुलेट ली थी 2018 में और मेरे को मैन्युफैक्चरिंग मिली 2017, और जबकि लेने से पहले मैंने कहा था मेरे को मैन्युफैक्चरिंग 18 ही चाहिए, जनवरी में ली थी तो 17 मिली थी। तो कल मैं हो आया था एजेंसी, हमने पहले ही कंप्यूटर में चैसिस नंबर वगैरह डलवा के मैन्युफैक्चरिंग चेक करी है, 2022 ही थी। तो आप भी जब भी कुछ बाइक ले हो, गाड़ी ले हो, उनकी बात ना मानो, उनके कंप्यूटर में पहले चैसिस नंबर डलवा के चेक करा लो भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या है। 2022 में ले रहे हैं, 21 मैन्युफैक्चरिंग मिले वो गलत है। तो चलो चलते हैं एजेंसी, उधर करते हैं बात, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे आपको। तो भाई आप पहुंच गए हीरो की एजेंसी में, इधर अपनी बाइक पहले से इन्होंने रेडी कर रखी थी, और इन्होंने कहा था हेलमेट देंगे साथ में और टायर लॉक देंगे। टायर लॉक तो पहले से लगा हुआ था, हेलमेट दे दिया इन्होंने। 1 लीटर तो इन्होंने तेल डाला है, और 200 रुपये टेम्परेरी नंबर के लिए हैं, और वॉशिंग हो गए बस, अब डिलीवरी हो जाएगी।